Realme का एक और न्यू सीरीज का फोन आ गया है। Realme की नंबर सीरीज है, नार्जो सीरीज है, सी सीरीज है, लेकिन अब एक और सीरीज आ गया है, पी सीरीज, P4। अरे हाँ, पोपटलाल फेवरेट है यार, वही दिमाग में आता है P4। आपके दिमाग में क्या आता है? वैसे P4 पैरेट भी होता है, बचपन में सिखाया गया था, लेकिन यहाँ पी का मतलब परफॉर्मेंस है, पीरो गेम प्ले है। जब भी आप परफॉर्मेंस की बात आते हैं, पीरो गेम प्ले की बात आती है ना, एक्साइटमेंट लेवल एक लेवल अप चला जाता है। एंड पीरो गेम प्ले का नाम सुनकर सारा सिस्टम मिल जाता है। Realme की जो P सीरीज होगी भाई, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज होगी। ये पहला P सीरीज का फोन है। इसमें Realme ने दो फोन लॉन्च किए, एक P1 और एक P1 Pro। तो आज हम P1 Pro को टेस्ट करेंगे। एंड अगर मैं इसके टॉप फीचर्स की बात करूं, इसमें 120 हर्ट्ज कर्व OLED डिस्प्ले है, Snapdragon का पावरफुल चिपसेट है, एंड कैमरे में सोनी का सेंसर है OIS के साथ। एंड हाँ, एक और चीज भाई, सुपरबुक फास्ट चार्जिंग भी है इसमें। एंड एक स्टैंड आउट फीचर, IP65 है इसमें। What? Yes! And price सुनके आप भी बोलोगे wow! Under 20,000 रुपीस में भाई। तो चलो फटाफट से भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका रिटेल बॉक्स कुछ ऐसा है, टिपिकल सा रियलमी बॉक्स है। वैसे ये बॉक्स पहले खुला हुआ है क्या करो, रहा नहीं जाता ना, टेस्ट करने के लिए पहले खोलना पड़ता भाई। खुल जाओ। सिम यहाँ लिखा हुआ है मेक इट रियल। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओए होए 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 होए। ये TPU केस दे रखा है, ठीक ठाक क्वालिटी आप कह सकते हो। ओ भाई, ये क्या है, इतना बड़ा है, ये क्या खबर आ रही है, दिल्ली में वड़ा पाव के भाव बढ़ गए हैं। और ये रहा हमारा फोन, ये एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है। दिस लुक्स डिफरेंट यार, इसका डिजाइन देखो, लुक देखो। खैर अभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और देखते हैं बॉक्स में क्या है भाई। वही होगा जो होता है भाई, चार्जर और केबल। चलो भाई, इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और काम की बात पे आते हैं। तो ये है Realme P1 Pro का फर्स्ट लुक। एक चीज मैं कहूंगा, जो फोन है भाई देखने में काफी स्लिम लग रहा है। वैसे ये जो फोन है 8.35 mm थिन है, जो फोन है ज्यादा हैवी फील भी नहीं हो रहा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर रखा है। चलो एक बार चेक करते, वेट 185 ग्राम के आसपास होगा। ओहो भाई, सच बता रहा हूँ, गेस किया था यार, एक नंबर से रह गया यार, कॉलेज में भी एक नंबर से रह गया था यार। चौक सपाट फोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है, प्रीमियमनेस के मामले में, इनहैंड फील के मामले में। ये फोन भाई बहुत ही सॉलिड प्रीमियम फील दे रहा है। इसका जो बैक है पॉलीकार्बोनेट है, जो फ्रेम है भाई ये भी पॉलीकार्बोनेट है। लेकिन अगर डिजाइन पे थोड़ा सा फोकस करते हो, ये जो डिजाइन है ना, ये बर्ड कल्चर से इंस्पायर है। और ध्यान से देखने पे इस पे आपको माइक्रो क्रिस्टल स्पैरो फेदर टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो चिड़ियों के पंख की तरह काफी सॉफ्ट सॉफ्ट फील देता है। वैसे इसमें मैट फिनिश है, तो फिंगरप्रिंट के निशान बिल्कुल भी नहीं आते हैं, नोटिस नहीं होते। डिजाइन इसका देखो सब्जेक्टिव है, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको इसके डिजाइन को 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना दोगे कमेंट में बताना मुझे। वैसे ये फोन आपको दो कलर में देखने को मिल जाएगा, एक है पैरेट ब्लू और दूसरा है ये रेड, काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन है। फ्रंट में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस ओएलईडी 120 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले दे रखा है, एचडीआर सपोर्टेड, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है, 915 इसकी पीक ब्राइटनेस है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, और TUV राइलेंस सर्टिफाइड ये डिस्प्ले। भाई डिस्प्ले देखने में मजाक नहीं कर रहा यार, कर्व होने की वजह से, स्लिम होने की वजह से। 20,000 के अंडर में कुछ गिने चुने फोन हैं जो डिस्प्ले में एक प्रीमियमनेस फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देते हैं, भाई ये फोन उनमें से एक है। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से जो डिस्प्ले है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वो कहते हैं ना खूब भालो, समथिंग कुछ ऐसा ही। एक बार YouTube पे वीडियो टेस्ट कर लेते हैं भाई, अरे कद्दू निकलेगा लेवल, इनके लेवल हमेशा ही निकलते रहते हैं भाई। okay, अगर YouTube पे अगर हम वीडियो देखते हैं तो भाई आप 2160p पे वीडियो देख सकते हो, 60fps पे HDR सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये देखो भाई, कलर्स देखो भाई, खुद देखो एक बार इसके डिस्प्ले को भाई, देखने में एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहा है। बेजल्स बहुत ही पतले है, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। ये देखो साइड में जो बेजल्स है बहुत ही मिनिमल है, कर्व है तो नोटिस नहीं होता। इवन चिन पे भी देखो भाई, बहुत ही मिनिमल बेजल्स यूज किया है यहाँ पर, बाकी स्मूथनेस भी है डिस्प्ले में। बाकी इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को हम इंडोर आउटडोर में जाकर हमने टेस्ट किया था भाई, इंडोर में तो बहुत ही ब्राइट फील होता है, आउटडोर में भी भाई ब्राइट इनफ है, बट थोड़ा सा ब्राइट हो सकता था। एक और चीज, इसका जो डिस्प्ले भाई, ये TUV राइलेंस सर्टिफाइड है, मतलब आपकी जो आंखें हैं कोमल कोमल नाजुक सी आंखें, जो स्मार्टफोन लाइट एमिट करता है उससे नुकसान ना हो उसका ख्याल रखा है। एंड एक और चीज, अगर आपने कर्व फोन यूज किया है ना कभी, तो आपको पता है कर्व फोन में एक प्रॉब्लम होती है, वो है एक्सीडेंटल टच। कई बार ये जो साइड में एजेस दे रखे ना, इससे भाई एक्सीडेंटल टच बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो इसके लिए रियलमी ने एक एक्स टच, यहाँ पे भी एक्स आ गई यार, जोक्स था। तो ये जो एक्स टच फीचर ऐड किया गया, इससे भाई क्या है, आपके फोन में जितने भी एक्सीडेंटल टच होंगे कर्व साइड से, उसको काफी हद तक ये रिड्यूस कर देगा। एंड इसमें एक AI ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी है, मतलब ये आपके बिहेवियर को बेसिकली ट्रैक करेगा और उसके हिसाब से फोन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा। मतलब अंधेरे में जाते हो तो ब्राइटनेस कम कर देगा, उजाले में जाते हो ब्राइटनेस ज्यादा कर देगा, ये फिर आपके लिए कितनी ब्राइटनेस सही है आपके यूजर्स के हिसाब से उसे एडजस्ट कर देगा। स्मार्ट फीचर है जस्ट लाइक यू एंड मी। देखो अपने ऊपर शक मत करना भाई, आप स्मार्ट हो क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो, आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वो बेल आइकन भी दबा रखा है। क्या कह रहा हूँ, नहीं दबा रखा,
क्या यार, जल्दी से दबा दो यार, अभी तक नहीं दबाया। सब्सक्राइब, टेल और ऑल, अभी अभी क्या अभी। एक और चीज, इसमें रेन स्मार्ट टच है, मतलब बारिश के छीटे वीटे पड़ जाते हैं तो कई बार फोन का स्क्रीन टच काम नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में इसका टच बिल्कुल काम करेगा। तो चलो भाई एक बार इसका ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं यार। वैसे प्रोटेक्शन के लिए इसमें डबल रेनफोर्स ग्लास दे रखा है। ग्लास कोई सा भी हो, अपन तो गिराएगा भाई, गिराएगा मतलब गिराएगा भाई। कर्व स्क्रीन में थोड़ा धक-धक होता है गिराने में। 1 2 3 भाई बच गयो भाई, बहुत तेज गिरा था, मजाक नहीं कर रहा। दो वेरिएंट में आपको ये फोन मिलेगा, एक 8GB 128GB और एक 8GB 256GB। और ये देखो इसकी रीटेस्ट स्पीड काफी बढ़िया स्कोर निकल गया यार। एक बार मल्टीटास्किंग भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने सारे ऐप्स आपके सामने क्लोज कर दिया, बारी बारी से मैं ऐप ओपन करता हूँ। ये देखो भाई मतलब स्मूथली ओपन हो रहे हैं आप। ये देखो आई नो आप क्रोम का वेट कर रहे हो, ये लो क्रोम भी भाई खोल ही देता हूं आपके लिए। देखो भाई मतलब फास्ट है, मतलब लाइक देखा जाए गैलरी हो गया, ऐप सारे लोड रहते हैं और बैकग्राउंड में रहते हैं। देखो सारे यार। फिजिकल ओवरव्यू, राइट साइड में आपको ये पावर बटन दे रखा है, वॉल्यूम बटन दे रखा है, ऊपर की साइड में ये नॉइस कैंसिलेशन है, ये स्पीकर है। लेफ्ट हैंड साइड एकदम क्लीन है भाई, डुअल सिम स्लॉट है, एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं है, माइक है, टाइप सी है, स्पीकर है। एक बार स्पीकर भी टेस्ट कर लिया जाए। हाँ भाई स्टीरियो है, एक ऊपर स्पीकर है, एक नीचे स्पीकर है। हाँ भाई स्पीकर की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, लाउड है, क्लियर है। बाकी हैप्टिक फीडबैक जब आप टाइप वाइप करते हो, हैप्टिक फीडबैक अच्छा लगा, थोड़ा सा हार्ड है जब आप टाइप वाइप करोगे, थोड़ा सा हार्ड फील होगा, बट अच्छा कह सकते हो। 50 MP का डुअल कैमरा सेटअप है, जो मेन कैमरा है वो 50 MP का है सोनी लाइट 600 सेंसर के साथ, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। थैंक गॉड यार 2 MP का कैमरा यूज नहीं किया है, कर दिया। यस ये वही सोनी का कैमरा सेंसर है जो रियलमी 12 प्लस में यूज किया गया था, इसमें भी दे रखा है। एंड फ्रंट में 16 MP सेल्फी है। एक सेल्फी लेते हैं भाई, सबसे पहले ये पोर्ट्रेट में हो गया, एक मेन से भी ले लेते भाई, ये 0.6 देख लेते हैं, और एक ये 1x और एक पोर्ट्रेट में लेते हैं। ओके स्टूडियो लाइट में भाई जो सेल्फी है बहुत ही ब्राइटली है, स्किन को सॉफ्ट कर दिया है। पोर्ट्रेट में भाई एज डिटेक्शन ठीक है भाई, डिसेंट कर लेता है, थोड़ा सा एज डिटेक्शन बढ़िया हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से, आई होप रियलमी फिक्स कर दे। कलर्स यस थोड़ा सा बूस्टेड है, बट देखने में वो सेल्फी बढ़िया लग रहा है यार। बाकी कुछ मेन कैमरे से फोटो देख लो भाई, मेन कैमरे से फोटो भाई एक चीज नोटिस किया भाई, ये देखो डिटेल्स बहुत अच्छी दे रहा है, 50 MP पोर्ट्रेट में ली गई है। एज डिटेक्शन भाई बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर ले रहा है जो मेन कैमरा है। एंड स्किन टोन भाई बहुत ही प्यारा दिया है, काफी न्यूट्रल रखा है। ओवरऑल फोटोज में जो कलर्स है ना वो थोड़े से बूस्टेड लग रहे हैं, बट ऑनेस्टली बता रहा हूं ये देखने में काफी आई कैची लग रहा है। बाकी ये देखो भाई ये अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड में डिटेल ठीक है भाई, ठीक ठाक डिटेल्स दे देता है, ये डिसेंट सा 2x भाई फोटोज ये बढ़िया रहता, कलर्स अच्छे दे रहा है। हाँ एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर हो सकता था, यहाँ पे रियलमी को वर्क करने की जरूरत है, बट ओवरऑल फोटो भाई अच्छा निकल गया है। इसके अलावा हमने आउटडोर में भी जाकर इसको टेस्ट किया, उससे भी कुछ फोटोज लिए। जो मेन कैमरा है ओवरऑल बढ़िया फोटोज लेता है, जब आप जूम करते हो डिटेल्स बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजन है अल्ट्रा क्लियर इमेजिंग इंजन। बड़ा ओवरऑल फोटोज में एक चीज मैंने नोटिस किया भाई, थोड़े से बूस्टेड कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी आप फोटोज लेते हैं थोड़े से कलर्स निखर के आते हैं, बूस्टेड लगते हैं, मतलब सोशल मीडिया रेडी टाइप लगते हैं, जो देखने में आंखों को अच्छा लगता है, ऐसे कलर देता है इसका कैमरा। बाकी ये कुछ फोटोज देख सकते हैं इंडोर आउटडोर का, ये इंडोर में ली गई है, ये पोर्ट्रेट मोड से ली गई है, और ये HDR से ली गई है। HDR में एक चीज नोटिस किया भाई, वेल एक्सपोज्ड फोटो निकालता है, ये सैंपल में देख ही सकते हो। और ये कुछ लो लाइट फोटोज दे रखे हैं, लो लाइट में भी फोटोज अच्छी क्लिक कर लेता है, क्योंकि इसमें नाइट आई इंजन दे रखा है। कैमरे में जाते हो एक चीज नोटिस करोगे, देखो जूम ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करोगे, इस पर टच करोगे, ये इस पर फोकस कर देगा। ये देखो स्ट्रीट मोड में आपको मिल जाता है, मतलब आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटली जूम कर देता है। बाकी ये वीडियो मोड है, वीडियो में आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60 FPS पे है। यस EIS ऑप्शन है 1080p 60 FPS पे, और फ्रंट में यस ऑफ कोर्स 1080p आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। बाकी मोड में अगर आप जाते हो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। देखो स्टडी मोड भी है भाई, ग्रुप मोड भी है, डुअल व्यू वीडियो भी है, स्लो मोशन भी है। फोकस चेक करते हैं, देखो फोकस तो फास्ट कर ले रहा है भाई। और हाँ एक और भाई, जब मैं कैमरा UI यूज कर रहा था थोड़े बहुत एक दो बार मुझे यहाँ पे बग देखने को मिला, बट अभी ये नोटिस नहीं हो रहा, और बीच में एक दो बार देखने को मिला था मुझे। बाकी इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसी के रियर कैमरे से 4K 30 FPS पे शूट की गई है। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करता है। 4K 30 FPS पे आपको स्टेबलाइजेशन आपको डीसेंसी देखने को मिल जाती है, बड़ा 1080p 60 FPS पे आपको EIS होने की वजह से, वैसे इसमें OISP है, तो वहां पर आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत स्मूथ देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट है, जो एक 4nm वाला प्रोसेसर है। एक टाइम था जब स्मार्टफोन के प्रोसेसर भाई 12nm 13nm 14nm 10nm ऐसे थे भाई, आजकल देखो जितने भी चिपसेट आ रहा है भाई 4nm 5nm 6nm पे बेस है, मतलब बहुत ही पावर एफिशिएंट है। मैं आ चुका है गेम प्ले टेस्ट करने का। आई नो आप सबसे ज्यादा इसी का वेट करते हो, मैं भी करता हूँ। तो बॉयज रिलैक्स, कर रहे गेम प्ले, जल्दी से वो जो नीचे लाइक बटन है भाई दबा दो भाई, अटेंडेंस जरूरी है। तो इसमें मैंने एंड्रॉइड टेस्ट करके देखा, जो स्कोर है वो 6 लाख+ निकल के आया हुआ है। जनरली जो दूसरे स्मार्टफोन होते हैं उसमें आपको एंड्रॉइड स्कोर 20,000 के अंडर आपको 4 लाख 5 लाख देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें 6 लाख है, और अंडर 20,000 rupees में 6 लाख एंड्रॉइड स्कोर, एक सॉलिड स्कोर बोलूंगा मैं। थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, ये देखो सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 83% है, और पूरा ग्राफ ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड स्कोर चाहे जो भी हो
असली पता तो गेम प्ले से चलता है और मनोज सारू का पीरो गेम प्ले बहुत पॉपुलर है भाई। चलो एक बार मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, HDR है, और ये तो भाई अल्ट्रा HD ऑप्शन है। क्या बात है, अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा ऑप्शन खेल सकते हो, और ये स्मूथ पे एक्सट्रीम ऑप्शन है। ओ लाला भाई, स्मूथ गेम प्ले है, मतलब 60 FPS का गेम प्ले आपको ये देगा। ग्राफिक्स देखो स्मूथ एक्सट्रीम पे एकदम स्मूथ है। वैसे इसमें आपको यहाँ पे गेम मोड भी दे रखा है, हाइपर बूस्ट मोड, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ से आप FPS चेक कर सकते हो, देखो 59-60 FPS के आसपास गेमिंग दे रहा है। एक बार जायरो भी चेक करवा देता हूँ, सेंसिटिविटी में गए, जायरो में गए, ओके जायरो है ऑप्शन, और जायरो ठीक है भाई, बढ़िया काम कर रहा है। तो जो लोग जायरो गेम प्ले करते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई पीरो गेम प्ले दिखाने का टाइम आ गया। ओ भाई अब देख तो, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, ये तो गया भाई, अब गया। ओ भाई ये तो पीरो दीदी निकली, जमाइला बहुत बेइज्जती हो गई भाई। अरे कौन है बे, अरे कहाँ है, लो हट, दिन ही खराब है यार आज। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करो भाई, ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लाइक कोई ऐसा लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल नोटिस नहीं होता, 60 FPS का ये कंटिन्यूस गेम प्ले आपको दे रहा है, एंड डिवाइस वैसा कोई हीट वीट तो नहीं कर रहा, बट हाँ स्लाइटली यहाँ पर बिल्कुल स्लाइट सा हल्का सा यहाँ पे स्क्रीन के साइड में वार्म फील हो रहा है। एंड हाँ एक और चीज भाई, इसमें आपको 3DVC कूलिंग सिस्टम भी दे रखा है, मतलब थर्मल वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो भाई इस फोन में परफॉर्मेंस को टेस्ट करके सच बताओ मजा सा आ गया। इसमें अगर आप पीरो गेम प्ले करना चाहते हो कर सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5000 mAh इसमें आपको बैटरी दे रखी है और 45W का सुपरबुक फास्ट चार्जर दे रखा है। ये जो चार्जर है 0-100% करीब 67 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा और 50% करीब 30 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स है, डुअल बैंड वाईफाई है और IP65 है। यस भाई इस फोन में आपको IP65 मिलता है और ये सेगमेंट बेस्ट फीचर है, मतलब इस प्राइस में भाई कोई भी आपको अभी तक IP65 शायद नहीं दे रहा। बाकी स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें फाइल डॉक है, फ्लैश कैप्सूल है, स्मार्ट इमेज मेटिंग फीचर है, एंड हां फोन लिंक भी है। ओके एक बार UI चेक कर लेते हैं भाई, Realme UI 5.0 है, लेटेस्ट है, एंड्रॉइड 14 पे बेस है, तो लेटेस्ट UI है, लेटेस्ट एंड्रॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ आपको 2 OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। बाकी अगर फोन देखते हो भाई, UI काफी हद तक क्लीन है, बड़ा कुछ प्री इंस्टॉल एप्स हैं, जैसे कि भाई ये देखो इसको कौन यूज करता है, और ये डिलीट हो जाते इजिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था एक कंप्लीट Realme P1 Pro 5G स्मार्टफोन। मैं अपना बताने से पहले आप बताओ भाई आपको कैसा लगा ये फोन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। इसके अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एग्जैक्ट प्राइसिंग तो मुझे आइडिया नहीं है, बट बताया जा रहा भाई ये फोन 20,000 के अंडर आएगा। 20,000 के हिसाब से भाई इसमें जैसे फीचर्स दे रखे हैं, जैसा पैकेज दे रखा है, 20,000 के अंडर विदाउट एनी डाउट ये एक सॉलिड पैकेज लेके आ रहा है। 20,000 के अंडर में आपको एक कर्व OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और डिस्प्ले ब्यूटीफुल लगता भाई, एक प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको देता है डिस्प्ले। एंड हाँ हमने कैमरा भी जितना भी टेस्ट किया, कैमरा हमें अच्छा लगा। प्राइस को कंसीडर करते हैं उसके हिसाब से आपको ये बहुत अच्छी फोटोज देता है। हाँ थोड़ा सा कुछ जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट अगर प्राइस के हिसाब से जज करो तो भाई कैमरा बहुत अच्छा निकल के आता है, स्पेशली जो सोनी लाइटेस्ट 600 सेंसर है OIS के साथ, ये जिस सेगमेंट में आ रहा है उसके हिसाब से ये बेस्ट सोनी सेंसर है। एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी सॉलिड निकल के आया है जितना भी हमने टेस्ट किया है। एंड हाँ एक स्टैंड आउट फीचर IP65, मतलब इस सेगमेंट में इस प्राइस पे कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे रहा, इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सो सिंपल में ये फोन किन लोग ले भाई, जिनकी प्रायोरिटी एक प्रीमियम लुकिंग डिस्प्ले है और उसके साथ आपको एक ढांसू सॉलिड परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये फोन डेफिनेटली भाई उन लोगों के लिए है। एंड हाँ इसके साथ अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो उनके लिए भी है ये फोन। ऑनेस्टली अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात करूं तो ऐसा कोई मेजर नेगेटिव नहीं है। हाँ कैमरा UI में हल्के फुल्के थोड़े से बग्स है, बाकी वो प्री इंस्टॉल एप्स है जो इजीली डिलीट हो जाते हैं, बट इसके अलावा देखा जाए तो भाई प्राइस के हिसाब से इस फोन में हर एक चीज है जो यूजर को चाहिए। हर पार्ट में हमने इसको जितना भी टेस्ट किया हमें एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला इस फोन में। भाई कहना पड़ेगा पिछले कुछ टाइम में Realme जितने भी फोन लॉन्च कर रहा है वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च कर रहा है, एंड यस ये भी वैल्यू फोन मनी कैटेगरी में ऐड होता है। सो ये तो था मेरा ओपिनियन, अब आप बताओ आपको फोन भाई कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट में शेयर जरूर करना, कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं करा, वीडियो को शेयर कर देना, फैला देना, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।